गुड इवनिंग हिमाचल। पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में नशा तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जिला में चरस तस्करी के दो मामले सामने आए हैं। पहले मामले में पुलिस थाना आठ की टीम ने नाके के दौरान एक वाहन चालक को 3 किलो 42 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी चरस की यह खेप सप्लाई के लिए ले जा रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। दूसरा मामला रविवार रात पद्दर थाना के तहत सामने आया है। यहां पुलिस टीम ने मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर दिल्ली नंबर की गाड़ी से तलाशी के दौरान 634 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी चरस की यह खेप दिल्ली लेकर जा रहा था, जिसे मंडी पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने दोनों मामलों की पुष्टि की है। ये पिछले दो दिनों में मंडी डिस्ट्रिक्ट में दो अलग अलग एनडीपीएस के सीजर के मामले जो हैं दर्ज हुए हैं। इसमें एक मामला जो पुलिस स्टेशन आठ में दर्ज हुआ है, इसमें 3 किलो 42 ग्राम चरस जो है वो एक व्यक्ति से पाई गई है। और ये व्यक्ति जो है मंडी जिले के बाली चौकी एरिया के रहने वाले हैं। इसमें फर्दर इंटरोगेशन अभी कर रहे हैं हम लोग, और इसमें गाड़ी जो सीज हुई है वो भी पुलिस थाने में कब्जे में ली गई है। साथ में कल देर रात जो है करीब 2:30 बजे जो है NH 154 पे पद्दर में जो पुलिस टीम थी उनके द्वारा एक दिल्ली नंबर की जो गाड़ी है उसको चेकिंग के दौरान उसमें से 634 ग्राम चरस जो है वो कब्जे में पाई गई है। उसमें दिल्ली निवासी साहिल कुमार जो है उनको अरेस्ट किया गया और साथ में जो गाड़ी है उसको भी पुलिस ने सीज किया है। इन दोनों मामलों में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आने वाले समय में इनसे लीड्स लेके पुलिस की कार्रवाई आगे जो है इसमें बढ़ाई जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि उनके जो बैकवर्ड लिंकेजेज हैं जहाँ से चरस परचेज हुई थी उसके बारे में छानबीन के दौरान हमें एविडेंसेस मिलेंगे और उस पर हम आगे प्रोसीड करेंगे। पांवटा साहिब में वन विभाग ने अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पांवटा वन विभाग की टीम ने खारा वन क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में कच्ची शराब बनाने की चार भट्टियों को तहस नहस कर एक भट्टी संचालक को भी दबोचा। इस दौरान वन विभाग की टीम ने नौ ड्रमों में रखी लगभग 1050 लीटर लाहन को भी नष्ट किया। नशे के खिलाफ लड़ाई में पांवटा वन विभाग के DFO कुणाल अंग्रीश की टीम को यह सफलता मिली है। प्रदेश में आज से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। शिमला के रिज पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री विक्रम सिंह और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। सोमवार से एक महीने तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा माह में विभिन्न गतिविधियों के साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने गुड समैरिटन के साथ एक नई पहल शुरू की है। इसमें सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि कोई अस्पताल तक ले जाता है तो व्यक्ति की इच्छा के बिना उससे किसी तरह की कोई कानूनी पूछताछ नहीं की जाएगी और इसके अलावा उसे सम्मानित भी किया जाएगा। ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आमतौर पर पहले इसको एक सप्ताह के लिए किया जाता था, अब की बार निर्णय ये किया है कि ये कार्यक्रम एक महीना तक चलता रहेगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत विस्तार से अब की बार इस कार्यक्रम को बनाया गया है, इसका स्वरूप बनाया गया है। हर रोज़ का कार्यक्रम जहां किसी वर्ग को जागरूकता जानकारी देने की बातें हैं उन सारी चीज़ों को इस पर जोड़ा गया है, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, चाहे ड्राइवर के साथ साथ में हमारे PW डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के साथ, चाहे डिपार्टमेंट के अलावा जो आम जनता है उनके बीच में भी जागरूकता लाने के लिए ऐसे पूरे एक महीने के कार्यक्रम बनाए गए हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन एक प्रयास है जिसके माध्यम से लोगों के जीवन बचाने के लिए, अपने जीवन को भी बचाने के लिए इस अभियान के माध्यम से बहुत मदद मिलेगी। और इसमें ख़ास तौर से एक जो कॉन्सेप्ट जो है जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है वो गुड स्मार्टियन उसके लिए जो एक प्रावधान किया गया है जो उसमें अमेंडमेंट की गई और उसमें वो सबसे बहुत बेहतर प्रयास है। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार घटना घटित होती हैं, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो सड़क के किनारे पड़ा है, लहूलुहान है, लेकिन साथ चलने वाला आदमी गाड़ियों में गुजर रहे हैं लेकिन उसको उठाने के लिए
कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए देख करके चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम कानूनी दाव पेच में, इसमें हमको जो है फॉर्मेलिटी भी जाना पड़ेगा, उठा करके हॉस्पिटल ले जाने के बाद पुलिस वाले पूछेंगे, पुलिस वाले बुलाते रहेंगे सारी चीज़ों को लेकर के। तो ऐसे में जो मानवीय दृष्टिकोण उनके दिल में होना चाहिए। तो सिविल अस्पताल रोहड़ू में सोमवार से पहले चरण में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। कोविड केयर हेल्थ सेंटर रोहड़ू के नोडल अधिकारी डॉक्टर दलीप शर्मा ने कहा कि पहले चरण में 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन के बाद दिया जाएगा। उनके मुताबिक वैक्सीनेशन के 42 दिन बाद एंटीबॉडी पनप जाएगा। सोमवार को सिविल अस्पताल रोहड़ू में ऑनलाइन रजिस्टर हुए सभी 100 स्वास्थ्य कर्मचारी समय पर पहुंच गए थे। इसके बाद वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। नेहरू युवा केंद्र नाहन के सौजन्य से सोमवार को पांवटा साहिब विकास खंड के कफोटा में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शारीरिक फिटनेस दिवस में विभिन्न खेल गतिविधियों और कोरोना जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 15 युवाओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक जगदीप शर्मा के कुशल नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ। इस दौरान सभी युवाओं ने निर्णय लिया कि वे मतदान केंद्र के बाहर सभी लोगों को मास्क बांधकर कोरोना से बचने का संदेश देंगे।